नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में। मित्रों, आज भी हम लोग एक लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे जो अच्छी लैंग्वेज है, जिससे आज हमारे पास सब कुछ संभव हो चुका, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है मित्रों जावा। क्या है? जावा, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जावा, ये एक छोटा सा नाम लग रहा है लेकिन बड़ा कमाल का टॉपिक है मित्रों, बहुत कमाल का टॉपिक है। जावा यानी मतलब क्या हुआ कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज है ये? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये हुआ कि मित्रों ये ऑब्जेक्ट के आधार पर पूरा है। यानी मतलब क्या हुआ, सब इसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि क्या कहते हैं, जावा को हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद ऑल एप्लीकेशंस एंड ऐप एंड सॉफ्टवेयर्स, मतलब क्या हुआ, सारे एप्लीकेशंस जो भी क्रिएट हुए हैं मार्केट में, जो जितने भी एप्लीकेशंस हम लोग यूज कर सकते हैं, जितने भी ऐप्स हम लोग यूज कर सकते हैं, जितने भी आप लोग हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो सब कुछ तब संभव हुआ जब हमारे जेम्स ग्लोसिंग ने इसको बनाया 1991 में। मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी हम लोग ऐप यूज कर सकते हैं, हम लोग जितने भी आपके ये सॉफ्टवेयर्स यूज कर सकते हैं, जितने भी हम लोग एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, सब कुछ संभव हुआ जब हम लोगों का जावा एप्लीकेशन बना। यानी कि ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन का ही देन, जावा की ही देन है कि आज हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन मार्केट में चल रहा है मित्रों। इसी जावा की देन है कि हम आज आप हमारे, आपके भी हाथ में फोन है, हमारे हाथ में भी फोन है, शायद आप हमारा वीडियो फोन से ही देख रहे हैं, तो आज इसी जावा की देन है कि आपके हाथ में फोन है और आप हमारा वीडियो देख पा रहे हैं दोस्तों। जब सबसे पहले ये बना था एक्चुअली, तो ये क्या हुआ था कि ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए बना था। मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारा जब इन्होंने शुरुआत किया था इसका, आपका ये जो जेम्स ग्लोसिन थे, इन्होंने जब शुरू किया था तो ये क्या किया था कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए इसे विशेषता बनाया गया। जैसे कि हमारा क्या DTH हुआ, जो हमारा सेटअप बॉक्स हुआ, TV हुआ, VCR हुआ, इन सब चीज़ों के लिए जावा एप्लीकेशन बनाया गया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में गूगल ने एंड्रॉयड से जोड़ के जावा को, आज की डेट में हर घर में जावा यूज़ हो रहा है, हर फोन में जावा यूज़ हो रहा है, हर जगह जावा यूज़ हो रहा है। तो यही कारण है कि जब गूगल ने एंड्रॉयड ने जावा को ले लिया अपने पास, तभी आज ये संभव हो चुका है कि आप एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं और हम वीडियो बना पा रहे हैं और आप वीडियो देख पा रहे हैं मित्रों। तो आज ये किसकी देन है? जेम्स ग्लोसिंग, मतलब इनका हम नाम लिख देते हैं, फादर जो थे जेम्स ग्लोसिंग, ठीक है। क्या नाम था इनका? जेम्स ग्लोसिंग, हम साफ साफ लिख देते हैं, जेम्स ग्लोसिंग, ठीक है, इनका नाम था। इन्होंने क्या किया था कि 1991 में, कब 1991 में जावा की शुरुआत कर दी थी। 1991 में इन्होंने क्या किया था? जावा की शुरुआत कर दी थी। जब 1991 में उन्होंने इसका नाम रखा था क्या? OAK, यानी क्या रखा था इसका नाम? 1991 में जब ये जावा हमारा रेडी हो रहा था तो इन्होंने नाम रख दिया था क्या? ओक। और 1995 में इसका नाम क्या हुआ? जावा। इनकी टीम ने, जो ग्रीन टीम के नाम से जानते थे लोग उसको, इनकी टीम ने मिलकर क्या बनाया था 1995 में, इसका नाम क्या रखा दोस्तों? जावा रखा। तभी से लेके आज तक हमारा जावा यूज हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये हुआ कि ये जो है निर्भर होता है कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, चाहे हमारा विंडोज हो, ठीक है, चाहे हमारा मैक हो, चाहे वो कोई भी हो, हम लोग आसानी से इसको सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे दोस्तों यूज कर सकते हैं। इसके हम लोग इसके जो है दो अपडेट वर्जन आए थे, जो पहला अपडेट वर्जन आया था दोस्तों वो था JDK 1.1। ये सबसे पहला अपडेट वर्जन आया था 23 जनवरी 1996 को। कब आया था? 23 जनवरी 1996 को आया था सबसे पहला। और जो हमारा दूसरा आया था मित्रों वो क्या था? जावा SE 8
जावा SE8, ये आया था आपका कब? ये आया था 2014 मार्च, यानी 12 मार्च 2014 को ये हमारा दूसरा आया था, ठीक है। दो वर्जन आए जो कि यही अपडेट वर्जन है, ये हमारा चल भी रहा है मार्केट में इस समय। हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके अंदर घुसने के बाद, बात कर लेते हैं इसके फीचर्स पे और इसके टाइप्स के, मतलब ये जावा कितने प्रकार का होता है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं मित्रों, ये हम पूरी जानकारी आपको अभी देते हैं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके फीचर्स पे, इसके फीचर्स क्या क्या हैं और इसके कितने टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके टाइप्स कितने हैं। तो मित्रों जो जावा है ये बेसिकली 3 टाइप्स का है। कितना है? ये है 3 टाइप्स। तो पहला जो टाइप्स था मित्रों वो क्या है? सबसे पहला था जावा माइक्रो एडिशन, यानी कि हम बताते हैं आपको जावा माइक्रो एडिशन, ठीक है। दूसरा था हमारा, पहला क्या है? जावा माइक्रो एडिशन J2ME, इसका कोड भाषा था J2ME, ठीक है। दूसरा था जावा, क्या था मित्रों? दूसरा है जावा स्टैंडर्ड एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन, इसका जो कोड भाषा था वो क्या था? J2, इसका क्या बोल, J2SE, मतलब J2 इसकी जो कोड भाषा थी वो J2SE था। तीसरा है जावा इंटरप्राइजेस एडिशन, इसका है J2EE, क्या है मित्रों? J2EE। इसका ये 3 टाइप्स के जावा लैंग्वेज हमारी है, ठीक है। जावा लैंग्वेज जो हमारी है ये 3 टाइप्स की है। पहला है जावा माइक्रो एडिशन J2ME, दूसरा है जावा स्टैंडर्ड एडिशन J2SE, तीसरा है जावा इंटरप्राइजेस एडिशन J2EE। इतने इसके जो है टाइप्स होते हैं। थोड़ा सा और हम लोग इस वीडियो को खींचते हुए देखते हैं, इसके फीचर्स की बात हम करते हैं। तो सबसे पहला इसका फीचर्स क्या है? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी है कि यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। इसका जो दूसरा फीचर है मित्रों वो क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। तीसरा फीचर है क्या है? जैसे अब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या हुआ कि ये जो है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आसानी से यूज हो सकता है, चाहे वो एंड्रॉइड हो। हम लिख देते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि किस, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारा विंडोज हो, चाहे वो हमारा एंड्रॉइड हो, चाहे वो हमारा मैक हो, कोई किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोग आसानी से जावा को यूज कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ी बात क्या है इसमें? सिक्योर होता है, ये सुरक्षित होता है, इसका डेटा कोई चुरा नहीं सकता यूज होते वक्त, इतना इसको कड़ी तरीके से बनाया गया है। चौथा क्या होता है दोस्तों? ये होता है सिंपल, सबसे सिंपल लैंग्वेज यही होती है, इसको 10th का भी बच्चा पढ़ता है। आप लोगों को पता होगा तो पता होगा, जो ICSE बोर्ड वाले होंगे वो बच्चे भी इसको पढ़ते हैं, यानी कि जो जावा लैंग्वेज है हमारी इसको छोटे बच्चे भी आसानी से पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ये है हमारी पूरी जावा लैंग्वेज। बाकी आप लोगों को अगर कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मित्रों। इस वीडियो को देखने के लिए यहीं पर धन्यवाद।